एक बार मैंने कमिटमेंट कर दी तो फिर मैं अपने आप की भी नहीं सुनता। स्वागत तो करो हमारा। बहुत गुरु तो बहन की शादी कराएगा मुझसे। अरे तेरे को दिखता नहीं मेरे साथ कितने आदमी है। सुअर हमेशा ग्रुप में शिकार करते हैं। हट जाइए मेरे रास्ते से। कहां से आएगी वांटेड 2 की कहानी? कौन सी जोड़ी करेगी साजिद द्वादश को रिप्लेस? क्या होगा वांटेड का गाना रिक्रिएट? हेलो एवरीवन, मैं जसिका नरवाल स्वागत करती हूँ आप सभी का पॉलीग्रैड स्टूडियो में। 2009 के बाद एक बार फिर सलमान पाए गए हैं वांटेड। जी हाँ, फिर बहुत टाइम से सलमान खान ने अच्छी मूवी डिलीवर नहीं की है। सलमान के फैंस अभी भी सलमान से काफी उम्मीदें लगाए बैठे हैं। ऐसे में सलमान कब तक अपने फैंस को वेट करवाते हैं एक अच्छी मूवी के लिए? आइए जानते हैं। सलमान की बहुत सी मूवीज का सीक्वल आ चुका है और कुछ अब आने भी वाले हैं। जैसे एक था टाइगर दबंग, वैसे ही सलमान खान प्रभु देवा के साथ मिलकर ला रहे हैं अपनी मोस्ट स्पेशल फिल्म वांटेड 2। यस, 2009 की ब्लॉकबस्टर मूवी वांटेड, जिसमें सलमान खान और आयशा टाकिया थे, वो अपने दूसरे पार्ट के साथ जल्द ही अब रिलीज होगी और इस मूवी का इंतजार अब सबको है। इस मूवी से सभी को बहुत उम्मीदें भी हैं और वो भी क्यों है? तो अब आपके दिमाग में यही सवाल आ रहा होगा कि क्या होगी वांटेड 2 की स्टोरी। तो चलिए बिना वक्त जाया करें आपको बताते हैं कि क्या होगी, कैसे होगा सब कुछ अरेंज। दरअसल मेकर्स ने अभी तक ये फाइनलाइज नहीं किया है, लेकिन हाल ही में आई हॉलीवुड की मूवी रेड नोटिस पर आधारित हो सकती है वांटेड 2। जी हाँ, रेड नोटिस एक ऑफिशियल टर्म है जो बड़े बड़े क्रिमिनल्स को पकड़ने के लिए निकाला जाता है। इसी वजह से मेकर्स इसकी कहानी का एडॉप्टेशन ले सकते हैं वांटेड 2 के लिए। अब नोटिस 2 में द रॉक, गैल गैडोट और रियान रेनॉल्ड्स जैसे फेमस बड़े बड़े हॉलीवुड स्टार्स थे। ऐसे में वांटेड 2 भी 3 बड़े बॉलीवुड स्टार्स हो सकते हैं। सलमान को द रॉक का करेक्टर प्ले करवाया जाएगा। हालांकि मेकर्स पूरी तरीके से इसे एडॉप्ट नहीं करेंगे, क्योंकि कुछ चेंजेस तो करेंगे, क्योंकि हमारी ऑडियंस के लिए उसमें देसी तड़का यानी देसी टच डालना बहुत जरूरी है, तभी लोग इस मूवी को पूरे तरीके से एक्सेप्ट और पसंद करेंगे। लेकिन फिर भी मूवी का बेस ट्रेंड नोटिस से लिया जा सकता है। मूवी मुंबई में भी शूट होगी क्योंकि मेकर्स इसे पुराना एसेंस दिखाना चाहते हैं। सलमान को अभी भी स्क्रिप्ट का इंतजार है और उन्होंने प्रभु देवा से मिलकर डिस्कशन भी किए। दोनों ही इसे मुंबई में शूट करने में ही इंटरेस्टेड है। इनफैक्ट कुछ सीन्स के लिए तो मुंबई का फिल्म स्टूडियो बुक करने का सोचा जा रहा है। मेकर्स इसे अमाची लोकल की बनाना चाहते हैं और क्योंकि वहां से एक इमोशन, एक फीलिंग जुड़ी होती है, चाहे फिर वो स्टार्स की हो, मेकर्स की हो या हमारी ऑडियंस की। आपको क्या लगता है, क्या वो लोकल फील आ पाएगी वांटेड 2 में भी जैसी हमने देखी थी वांटेड में? क्या इस सीक्वल को मेकर्स बर्बाद नहीं कर देंगे? लव मी लव मी लव मी, यस वी ऑल लव द सॉन्ग फ्रॉम वांटेड। वांटेड के गाने सही में उस टाइम के बेहतरीन सॉन्ग्स थे। एंकर म्यूजिक साजिद वाजिद ने दिया था और तो और बाजिद ने अपनी आवाज भी दी थी इन गानों में। लेकिन बड़े अफसोस के साथ 2020 में कोविड से बाजिद का देहांत हो गया था, इसलिए वांटेड 2 के लिए मेकर्स एक और म्यूजिक कंपोजर की तलाश कर रहे हैं। उन्हें अब इंतजार है तो पेयर का। सचिन जिया का नाम सामने आ गया है, मगर मेकर्स ने अभी तक कोई भी इन्फॉर्मेशन नहीं दी है कंपोजर्स को लेकर। पहले ये डिस्कशन सलमान के साथ होगा और उसके बाद ही किसी भी मेकर्स, किसी भी सिंगर को ये कॉन्ट्रैक्ट साइन करने के लिए दिया जाएगा। वाजिद की मौत के बाद सलमान काफी कोशिश कर रहे हैं कि साजिद अली को वापस इंडस्ट्री में लाया जाए। साजिद का कहना है कि उनका उनके भाई के सिवा अब कहीं और दिल नहीं लगता और ये भी है कि उन्हें इस काम में अब वो मजा नहीं आ रहा, क्योंकि वो हमेशा एज अ पेयर ही नजर आएंगे। इसीलिए ऐसा हो सकता है कि वांटेड 2 के लिए सलमान साजिद को अपनी टीम के साथ काम करने के लिए फोर्स करें। अब देखना ये होगा कि फाइनली वांटेड 2 के लिए बैकग्राउंड स्कोर कौन देता है और क्या साजिद बना पाते हैं वैसा ही बेमिसाल म्यूजिक बिना अपने भाई वाजिद के। अब तो ये हमें मूवी के आने पर ही पता चलेगा। तब तक हमें कमेंट करके बताइए कि आप किसे देखना चाहेंगे सलमान के साथ इस वांटेड में। आपको कौन ज्यादा पसंद आएगा? सलमान की एक तमन्ना है और वो ये है कि वांटेड मूवी का गाना लव मी लव मी लव मी वांटेड 2 में रिक्रिएट हो। ये गाना सलमान को बहुत पसंद है और वो इसे मिका सिंह की आवाज में रिक्रिएट करना चाहते हैं। ऐसी म्यूजिक हमें सामने आई सोर्सेज के थ्रू और उन्होंने प्रभु देवा से स्पेशल रिक्वेस्ट भी की है।
अब ऑफकोर्स सलमान ने कहा है और बात नहीं मानी जाएगी, ऐसा तो हो नहीं सकता। तो मेकर सलमान भी इस ख्वाहिश को पूरा जरूर करेंगे। ये गाना मूवी के बीच ही दिखाया जाएगा, जिसके लिए मेकर्स अब कर रहे हैं जोर शोर से तैयारी। तो आपको क्या लगता है और आपका क्या कहना है, कौन है जो सलमान के गानों के लिए प्लेबैक देगा और क्या ये मूवी हो पाएगी अगले साल रिलीज? कमेंट करके हमें अपनी राय जरूर बताइए। और अगर आपको हमारा वीडियो अच्छा लगे तो उसे लाइक शेयर और कमेंट करना ना भूलें। साथ ही साथ सब्सक्राइब करें हमारे यूट्यूब चैनल बॉलीग्राफ स्टूडियोज को। तब तक के लिए धन्यवाद।